सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज, अभी का सीन ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं भाई खल्ला जू। जी हाँ, भाई खल्ला जू, और हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं रानी बाग। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, रानी बाग बहुत ही फेमस जगह है मुंबई की। सो गाइज, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और हम यहाँ से चलते हैं भाई खल्ला और वहाँ से हम जाएंगे रानी बाग। सो गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, इस ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइज, वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। अभी हम यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से पास में ही है भाई खल्ला और वहाँ से रानी बाग जाने के लिए। तो गाइज, चलते हैं फिर आगे और आपको हम दिखाते हैं रानी बाग। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान व प्रणी संग्रहालय। तो गाइज, फाइनली भी हम आ चुके हैं रानी बाग और यहाँ का आप देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से हम टिकट निकालेंगे, फिर यहाँ हम घूम सकते हैं रानी बाग। देख सकते हैं, तो गाइज फाइनली हम टिकट ले चुके हैं, देख सकते हैं पे हैं, कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ आप देख सकते हैं भाई साहब। और देखिए पानी भी गिर रहा है, चिड़िया, और यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह नज़ारा है। और यहाँ देखिए ये क्या है, मगरमच्छ। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, देखिए मंकी है, ये हिरन। तो गाइस चलेंगे इसके अंदर और यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लाइन लगा के जाएंगे सीधा सीधा आगे, फिर आगे का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। ये गेट है सामने, आप देख सकते हैं, चेकिंग चालू है, देख सकते हैं। बगैर टिकट पर नहीं जा सकते हैं आप, टिकट निकालना ही पड़ता है। वजह आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। अभी हम इसी गेट से आएँ, इसी गेट से अंदर आएँ और यहाँ से हम चलेंगे आगे। गेट है इस तरह एंट्री करने के लिए। और ये क्या है भाई साहब, ये देखिए, ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना दिख रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए गाइस कितना अच्छा अच्छा फूल लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। और भाई साहब आज संडे है तो देखिए पब्लिक कितना सारा आई हुई है यहाँ पे घूमने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एंट्री कर चुके हैं रानी बाग में और हम आपको दिखाते हैं अभी हाथी हेलीपैड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं हाथी पा रहे हैं, ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ देख सकते हैं, तो जब देख सकते हैं हेलीपैड हाथी जिसको बोलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन किंग डॉम। तो चल के देखते हैं यहाँ क्या है इसके अंदर। भाई साहब कुछ इस तरह नज़ारा है, देख सकते हैं। और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कुछ नहीं था, खाली था। तो चलते हैं दूसरे लोकेशन पे और आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिंह लाडगा असवल बिबेटिया तरस कोला। तो ये सब यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, चलते हैं इसके आगे। तो भाई जब हम आपको दिखाने वाले हैं असवल स्लोथ बेयर। जी हाँ, ये भी अच्छा जानवर है, आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इसको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अच्छी तरह से। जैसे कि देख पा रहे हैं असवल स्लोथ बेयर, और देख सकते हैं भाई साहब ये कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। तो चलते हैं इसके आगे और आगे भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ असवल। बाबा इधर क्या
तो गाइस चलते हैं इसके आगे, और भी हम आपको दिखाने वाले हैं इसके आगे क्या क्या है। तो गाइस अभी हम आपको दिखाने वाले हैं बाघ, और जिसको आप बोल सकते हैं टाइगर, जी हाँ टाइगर बोल सकते हैं। और हम इस टाइम पर हैं रानी बाग, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ से सीधा जाएंगे, बाघ आपको दिखाएंगे जिसको आप बोल सकते हैं टाइगर। चलते हैं गाइस, आ सकते हैं, लिखा हुआ है बाघ टाइगर। तो चलते हैं इसके आगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग देख रहे हैं, और हम भी चलते हैं आपको दिखाते हैं, सीधा लाइव आपको दिखाते हैं। और हम फाइनली आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉकर, चिंतल, पेंगिवन, और यहाँ पे लिखा है सांबर, पाड़े घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ सब कुछ नज़ारा है, यहाँ पर भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये सब चीज़। तो बस पहुँचने ही वाले हैं आगे, पहले तो देखिए बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है भारता तिल सारंग कुला तिल हिरड़े, तो देख सकते हैं गाइस ये हिरण है, आप देख सकते हैं हिरण है ये, ये देख सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पे ये रहता है, देख सकते हैं यहीं पे वो रहता है ये हिरण। हम आपको दिखाते हैं माकड़, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में मंकी बोल सकते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं बंदर। तो हम आपको दिखाते हैं बंदर, देख सकते हैं पीछे कुछ इस तरह दिखता है, और हम आपको इसको बैक कैमरे से दिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माकड़। और देख सकते हैं भाई साहब यहाँ कुछ इस तरह का नज़ारा है, और चलते हैं इसके अंदर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब, देख सकते हैं रियल नहीं है लेकिन पर रियल के जैसा दिखता है, और जो रियल है मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो ये मंकी है, हुआ है बारहसिंघा स्वैम्प डियर। तो यहाँ पे देखेंगे यार, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, पूरा खाली, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं भाई साहब यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है, यहाँ पे पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बारहसिंघा तो नहीं है, देख सकते हैं, पर यहाँ का व्यू कुछ इस तरह दिखता है। जब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बार्किंग डियर, हिंदी में इसको बोलते हैं कांकर। तो यहाँ पर भी नहीं है, देख सकते हैं खाली है ये। तो दिखाने जा रहे हैं स्पॉटेड डियर, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं चिंतल। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं यहाँ का चिंतल, ये देख सकते हैं, हम इसके अंदर जाएंगे, आप लोग जा चुके हैं। तो गाइस चलते हैं हम इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है हम्बोल्ट पेंगुइन कच्छ। तो गाइस इसके अंदर चलते हैं।
देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पक्षी वगैरह रहते हैं ये यहाँ इस जगह पे। यहाँ पे देख सकते हैं पक्षांचे नंदवन, मोर इसको बोल सकते हैं, ये मराठी में लिखा हुआ है। तो चलते हैं इसके अंदर और यहाँ का नज़ारा देखेंगे गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे लोग को खेलने के लिए बना है ये जगह, और यहाँ पे विश्राम भी कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा अच्छा भी बनाया गया है, देख सकते हैं गाइस। ये देखिए खाने वाले हैं कछुआ जो पानी में रहते हैं, और यहाँ पर भी रहते हैं। आप देख सकते हैं ये बना हुआ है लोग का घर, तो हम इसका अंदर का वीडियो दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है, यह घर बना हुआ है कछुआ का, आप देख सकते हैं, और यह पानी में रहता है। ये दीवार है और मैं अंदर का वीडियो दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस। सो गाइज फाइनली अभी यहाँ पे हम पूरा घूम चुके हैं और यहाँ से हम चलते हैं। सो गाइज मैं आपको बता दूँ, इस जगह का जो नाम है रानी बाग, जी हाँ रानी बाग नाम है यहाँ का, और यहाँ पे आप आ सकते हो आसानी से। आपको यहाँ आना पड़ेगा भाईखल्ला स्टेशन, स्टेशन के पास में ये रानी बाग और बहुत ही फेमस जगह है रानी बाग। गाइज फाइनली अभी यहाँ से हम चलते हैं। गाइज फाइनली अभी हम आ गए हैं अपने रूम पे, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करूँगा यह ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को यार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी गाइज ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सो गाइज अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हो, यहाँ पर भी आप हमें सपोर्ट बनाए रखिए। तो गाइज आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।